आओ यार, अपनी पेड़ की डाली जैसी झुकी गर्दन को सीधा करो और शुरू करते हैं बिना किसी वक्त। तो शुरू करते हैं बिना किसी वक्त। तो शुरू करते हैं बिना किसी वक्त। तो शुरू करते हैं बिना किसी वक्त। पकड़ लिया साड़ो। तो थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस पे होने वाला है, द वर्ल्ड वॉर हल्क के बारे में, जिसकी अनाउंसमेंट D23 एक्सपो में नहीं हुई है। तो वीडियो शुरू करने से मैं पहले बता दूं कि ये सिर्फ एक मेरी फैन स्टोरी है, ये सच हो भी सकती है और नहीं भी। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कहानी टेक प्लेस करेगी सीक्रेट वॉर्स के बाद, जब मार्वल का एक सॉफ्ट रीबूट हो जाएगा और मैं मान के चल रहा हूँ कि अवेंजर्स वापस आ जाएंगे। जैसे कि अब मैं आयरन मैन वगैरह के रोल में तो उन्हें इमेजिन करूँगा, RDJ और क्रिस इवेंस और स्कारलेट जोहानसन, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के रोल में सभी वापस आ जाएंगे, क्योंकि इनकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्टोरी के लिए। इसके अलावा मेरी थ्योरी के लिए मैं इसलिए वेट कर रहा था क्योंकि D23 एक्सपो में लीडर की भी अनाउंसमेंट होगी है। लीडर इस स्टोरी का एक बहुत बड़ा विलन हो सकता है, द वर्ल्ड वॉर हल्क। तो चलो यार, अब मैं स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ। होगा कुछ ऐसे कि जब मार्वल का एक सॉफ्ट रीबूट हो जाएगा तो अवेंजर्स की जो टीम फॉर्म होगी दोबारा से, वो कुछ काम गवर्नमेंट के अंडर भी करेगी, क्योंकि अगर उन्हें थोड़ा बहुत भी याद रहा और सकोविया अकॉर्ड्स का फिर से कोई झंझट पड़ा तो इस बार शायद हो सकता है अवेंजर्स गवर्नमेंट की बात मान ले और वो गवर्नमेंट के अंदर काम करना शुरू कर दे। ऐसे ही एक मिशन के टाइम हल्क से कोई गलती हो जाएगी और सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो जल जाएंगे। देखो यार, जल जाएंगे, बंद हो जाएंगे, मतलब ख़त्म कर देगा वो, जिसके कारण जो गवर्नमेंट है वो हल्क को निकाल देगी। अब इसकी आगे की स्टोरी के लिए हमें थंडरबोल्ट्स की टीम में द रेड हल्क भी चाहिए होगा और मैं मान के चल रहा हूँ वो है। देखो यार, इस स्टोरी में काफ़ी सारे ऐसे करेक्टर्स हैं जिन्हें अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, पर हो सकता है आगे जाके कर दिया जाए, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि वो सारे करेक्टर्स भी हैं। तो हल्क को अवेंजर्स से निकाल दिया जाएगा और उसकी रिप्लेसमेंट ले लेगा, हाँ भाई, रेड हल्क। तो रेड हल्क पहले तो अवेंजर्स के साथ मिलकर काफ़ी सारे मिशंस पे जाएगा और उसने खास कुछ उखाड़ा तो है नहीं मिशंस में। तो ऐसे ही एक मिशन में वो अवेंजर्स को छोड़ के आगे जाके कहेगा मैं लीड करूँगा, और जैसे ही वो आगे जाएगा उसके और अवेंजर्स के बीच में गैप आ जाएगा और वो एक रूम में बंद हो जाएगा, और वहाँ पे द लीडर, जो मैंने कहा है वो मोटी खोपड़ी वाला, वो रेड हल्क के ऊपर बहुत सारी गामा रेडिएशन करने का, जिसके थ्रू जो रेड हल्क है वो बहुत बड़ा गामा बॉम्ब बन जाएगा और वो जाएगा न्यूयॉर्क की तरफ उसे तबाह करने। इसी बीच अवेंजर्स और रेड हल्क की एक बहुत बड़ी फाइट देखने को मिलेगी हमें, जिसमें पहले तो टोनी एक हल्क कंट्रोल कॉलर भी बनाएगा जिससे हल्क को कंट्रोल किया जाता है, पर रेड हल्क इतने गुस्से में होगा कि वो कॉलर को आग लग जाएगी। इसके बाद अवेंजर्स अपने सूट्स में दिखेंगे, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ टोनी स्टार्क ने सभी अवेंजर्स के लिए एक एक आर्मर बनाया होगा। हाँ, बनाया है, जैसे ब्लैक विडो के लिए, फैल्कन के लिए, हॉकाय और कैप्टन के लिए, थॉर के लिए कुछ नहीं है, थॉर तो सभी को पता है एक बहुत बड़ा हल्क बस्टर है। इसी बीच जब उनकी लड़ाई हो रही होगी तो वहीं पे हल्क आ जाएगा और हल्क और रेड हल्क के बीच में हमें एक बहुत बड़ी फाइट देखने को मिलेगी, जिसमें हमारा हल्क हार जाएगा, नहीं जीतेगा नहीं, हार जाएगा। और तब फिर जो विडो और आयरन मैन है वो हल्क को वहाँ से लेकर जाएंगे, क्योंकि रेड हल्क उसके वैसे भी पीछे पड़ा होगा। तो तब आयरन मैन उसे कहेगा कि अगर मैं जैसे रेड अपने एक प्रोसेस से गुजरा, अगर मैं वैसे ही प्रोसेस तुम पर दोबारा कर दूं तो, जिसके लिए हल्क मान भी जाएगा और वो एक बहुत बड़ा यानी द इनक्रेडिबल हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिसका अपने पे कंट्रोल होगा। हाँ, अभी हल्क अपना कंट्रोल नहीं खोएगा, हल्क पे अपना फुल कंट्रोल होगा और वो एक प्लान बनाएंगे कि कैसे रेड हल्क को वापस नॉर्मल लाना है। इसी के बाद हमें एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर फाइट, CGI फाइट, जिसमें मार्वल को काफ़ी सारा पैसा खर्चना पड़ेगा, जो कि वो खर्चेंगे क्योंकि उन्हें नोट छापने हैं, एक बहुत बड़ी CGI फाइट देखने को मिल सकती है द इनक्रेडिबल हल्क और रेड हल्क के बीच में। इसी फाइट के बाद जब हल्क है वो रेड हल्क की सारी गामा रेडिएशंस अपने में अब्जॉर्ब कर लेगा और वो द क्लासिक कॉमिक एक्यूरेट द ग्रे हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हाँ, कॉमिक्स में हल्क ग्रे ही था, कुछ प्रिंटिंग इशूज की वजह से ग्रे और ग्रीन में फिर कन्फ्यूजन होगी और एंड में उसे ग्रीन ही कह दिया गया, तो वो ग्रे हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और तब असली बैटल शुरू होगी बैनर और हल्क के बीच में, यानी कि उनके माइंड के बीच में, जहाँ पे हल्क जो है वो अपना पूरा कंट्रोल खो देगा और तभी बैनर उसे आके समझाएगा कि तुम इसीलिए वापस आए थे क्योंकि तुम्हें अपने आप पे पूरा कंट्रोल है, अवेंजर्स को तुम्हारी से ज़रूरत है। और तभी टोनी अपना हल्क कंट्रोल वाला जो कॉलर है वो बैनर को पहना देगा और काफ़ी टाइम बाद, मतलब काफ़ी स्ट्रगल के बाद,
विडो भी उसे शांत करेगी। अब इन अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा है वो कैसे शांत करती है, मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जब हल्क वापस अपने यूजुअल फॉर्म में आ जाएगा, फिर भी उसमें कुछ गामा रेडिएशन बचा होगा, जिसकी टेंशन में डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मतलब एक पोटेंशियल थ्रेट मानने लगेंगे और वो उसे एक अलग जगह टेलीपोर्ट कर देंगे। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी कॉमिक्स की तरफ जाएगी कि सकार पे भेज देंगे। अब आगे तुम्हें पता है वहाँ पे हल्क की फैमिली होगी, और इसके अलावा जो हल्क है अब अपना प्रॉपर एक चैम्पियन बन चुका है, जैसे कि वो ग्रैंड मास्टर की रिंग में था। वहाँ पे हल्क का बेटा और हल्क की वाइफ होगी, पर तभी वहाँ पे क्या होगा तुम जानते भी हो। जब डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात पता चलेगी कि हल्क वहाँ पे ज़िंदा है, और अब तुम्हें पता है डॉक्टर स्ट्रेंज किसी को भी मार सकते हैं अर्थ को बचाने के चक्कर में, एंड गेम में तुमने देखा ही था, वेरी सैड। तो वहीं पे वो अटैक करेंगे कुछ मतलब ऐसे जादू टोना करके, और तब वहाँ पे हल्क की पूरी फैमिली तबाह हो जाएगी। और हल्क तब गुस्से में इतना पागल हो जाएगा कि वो एक मॉन्स्टर ग्रे हल्क बदल जाएगा, जैसे वो पहले था और उससे भी बड़ा। फिर वो अर्थ पर वापस आके सारी जगह तबाही कर देगा, डॉक्टर स्ट्रेंज को कैप्चर करके खूब टॉर्चर करेगा, क्योंकि वो है तो एक मॉन्स्टर, और डॉक्टर स्ट्रेंज की भी तब तक पावर्स इतनी नहीं होंगी कि वह कितने बड़े मॉन्स्टर को हरा पाए। उसके बाद अवेंजर्स ही आके उसे शांत करेंगे, पर वो शांत नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेंज की गलती थी। और तब विडो भी हट जाएगी रास्ते से, क्योंकि उसे भी पता है कि इसमें हल्क की कोई गलती नहीं है। तो यार ये मूवी जो है वो फेज 7, 8 और 9, क्योंकि फेज 6 तक तो मल्टीवर्सल्स आ गए, उसके बाद टेक प्लेस कर सकती है, और ये एक बहुत ही बड़ी स्टोरी हो सकती है। यानी कि मार्वल इसे हो सकता है एक वेब सीरीज़ की फॉर्म में एक एक घंटे के एपिसोड्स में रिलीज़ कर दे, या एक पूरी पिक्चर बना दे, जो कि पॉसिबल नहीं है। 3 घंटे में इतनी सारी इवेंट्स को दिखाना मार्वल के लिए पॉसिबल नहीं है, वरना थॉर लव एंड थंडर वाला हाल होगा। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस अच्छी थी, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो वापस आ रहा है आयरन मैन पर ही। हाँ, वो 2 हफ्ते से पहले वीडियो नहीं आया था, पर अब वापस RDJ वाले पे वीडियो आया करेंगे। तो चलो यार, मैं भी जा रहा हूँ, मुझे ज़रा कैप्टन अमेरिका का इंटरव्यू लेने जाना है। बाय कैप्टन। एक बात बताओ, तुम वर्जिन हो ना? नहीं हो ना? मेरे को पता है, बैनर ने बता दिया था। I don't know if I'm okay. I don't see the light of day.